सो हे गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो फिर गाइज, मैं आज जो ये व्लॉगिंग की शुरुआत है वो मैं शाम से कर रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैं और दी बहुत ज़्यादा बिजी थे। मम्मी और सिस्टर तो बाजार गए थे कुछ सामान वगैरह लेने, लेकिन मैं और जो सिस्टर है, बड़ी दी है जो मेरे, वो बहुत बिजी थे घर के साफ़ सफाई वगैरह में, क्योंकि हम लोग कर ही नहीं पाए। पिछले कल किया आधा, आधा आज किया, तब जाके हम दिन को फ्री हुए थोड़े बहुत। हाँ, दिन को सब करके फ्री हुए। हम काम पे ही इतना बिजी थे ना, आप लोगों को पता ही, इतने काम चला है यहाँ पे, तो इसकी वजह से मैं आज शाम को आप लोगों से मिल पाई हूँ। मैं अभी फूल तोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे नेपाल में ये रिवाज है कि जब तक दिवाली, भैया दूज, जब तक भैया दूज नहीं आता, तब तक हर दिन, जैसे कौवा हो गया है ना, और डॉगी हो गया, और गाय हो गई, और जैसे बैल होते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनकी मतलब इनको मालाएं पहनाते हैं, मालाएं वगैरह बना के पहनाते हैं, और उनको खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, कुछ बना के स्पेशल देते हैं उनको। तो फिर ऐसा रिवाज है हमारे नेपाल में, डॉगी की पूजा होती है, डॉगी की पूजा करते हैं नेपाल के रिवाज में। तो फिर मैं उसके लिए माला बना रही हूँ। मैंने उसको खाने के लिए तो सुबह ही दे दिया था, मॉर्निंग में ही, लेकिन मैंने उसको अब तक माला नहीं लगाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो फिर अभी फूल तोड़ने जा रही हूँ, और फूल तोड़ के उसके बाद उसके लिए माला बना के उसको पहनाऊँगी। तो आप लोग भी बने रहो मेरे व्लॉग के साथ, और देखो देखो इतने इतने सारे फूल है, और मैं ये अच्छे वाले फूल नहीं निकालूंगी, जो बड़े वाले नहीं निकालूंगी, दूसरे जो छोटे वाले, ये भी अच्छे हैं, छोटे वाले निकालूंगी, क्योंकि मुझे जो ये बड़े वाले फूल ये रखने हैं भैया दूज के लिए, क्योंकि हमें फिर अपने भाइयों की भी पूजा करनी होती है, जो भैया दूज होगा परसों, तो तब। तो देखो यहाँ पे थोड़े बहुत फूल लगाए थे हमने, ज़्यादा नहीं लगाए, ज़्यादा तो नहीं लगा, थोड़ा बहुत, जितना उसके लिए माला होगा उतना ही करेंगे। लोगों ने मॉर्निंग में ही पूजा कर ली है, लेकिन मैं बिजी होने के कारण अभी करूँगी। नेपाल में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बहुत अच्छे से ये त्यौहार। चलो ये देखो फूल कैसा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और गाइस, आप सब लोग, सभी लोगों को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली आप सभी को। वैसे ब्लॉग थोड़ा लेट पहुँचेगा, कल ही पहुँचेगा, लेकिन फिर भी दिवाली की शुभकामनाएं हम फैमिली है उनकी ओर से आप सभी को, हैप्पी दिवाली। हमारे यहाँ पे ये फिर से मैंने ये लगा लिया, हमारे यहाँ पे वो होता है, क्या बोलते हैं, ऊपर घूम में एक फंक्शन होता है दिवाली के टाइम, रात के टाइम बहुत अच्छे अच्छे सिंगर आते हैं, जाने वाले सिंगर आते हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, लेकिन वो नाइट को होता है। अब नाइट को हम कहाँ से जाएं, साथ के लिए कोई होता तो चले भी जाते हैं, और जैसे कोई फ्रेंड्स लोग जाते नहीं है, भाई लोग जाते हैं, उनके साथ वहाँ जाना, अब होता है ना लड़कियों का ग्रुप हो तो, और घर से कोई बड़े जाए तो अच्छा लगता है, तो कोई हमारे जाता नहीं है और लोग जाते हैं। तो शाम को थोड़ी बहुत जितना जितना कुछ होगा मैं सारा शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमारी छोटी सी दिवाली, आई होप कि आप लोगों को पता चलेगी कि हमारे यहाँ पे जैसा जैसे हमारे घर पे होता है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो गाइज प्लीज़ मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो गाइज मैं भी घर पहुँच चुकी हूँ, और मैं अब बनाती हूँ माला। आयु पा करो माची को, इसको भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को पा करके, है ना, इसको भी मैंने किया। तो फिर मैं भी चलो माला बनाती हूँ अपनी डॉगी के लिए, उसके लिए। क्या हो गया, गंदा हुआ? नहीं होता गंदा, यार गंदा बोलता है मेरे को भी गंदा हुआ, गंदा गंदा नो गंदा ऐसा है। चालू
क्या लगाया है रॉकी ने? ये मेरा डॉगी तिलक लगा के अभी सुंदर बन गया, ये खाएगा। दरवाजे में क्यों रखे तुमने? ये भी हैप्पी दिवाली कह रहा है गाइस। ये हैप्पी दिवाली गाइस। ले पकड़ते हैं गाइस, इसको देखो अंधेरे में यहाँ पे क्या कर रही है। ये यहाँ पे पटाखे जला रही है, जला। ये डरती नहीं, मैं तो बहुत डरती हूँ। मम्मी को भी दो दूसरा वाला। हाथ पटकिला नहीं था लगला फिर। ये हमारी छोटी सी दिवाली हमें ऐसे मनाया, ज्यादा हम खर्चा खर्चा नहीं करते, बस पटाखों में ये बस थोड़ी बहुत ये दिए जलाए और बस ऐसी रहा हमारा दिवाली। आपकी कैमरा इधर इधर बोलो। अगर आपका भी, आपका तो बहुत अच्छा रहा होगा, आप लोगों का हमारा भी अच्छा ही रहा। हमें बहुत सारी हम लोग अपने फैमिली के लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये करो आयो हैप्पी दिवाली बोलो। खाना पीना खा लिया है तो फिर अब ज्यादा हमने पटाखे वगैरह लाई नहीं थे, जितना था उतना हमने जला लिया। आधा ऐसा बच्चा होगा वो सिस्टर जलाई लेगी, तो फिर अभी बस टीवी देख रहे। सो गाइस आप लोग को अच्छी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। तो मिलती हूं आपको और एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।